प्रेजेंट टीचर। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम लोग आज देखेंगे जेंडर के बारे में। कोई भी नाम जो होता है उसको हम लोग तीन कैटेगरी में डाल सकते हैं, थ्री कैटेगरी में। कौन कौन सा? एक, या तो वो मेल होगा, दूसरा या तो फीमेल होगा, या तीसरा दोनों में से कोई नहीं होगा। ओके, तो हम लोग क्या देखते हैं, नाम को, कोई भी नाम है उसको हम लोग थ्री कैटेगरी में डाल सकते हैं, मेल, फीमेल या दोनों में से कोई नहीं। अगर मेल होगा तो उसको मस्कुलिन जेंडर कहेंगे, अगर फीमेल होगी तो उसको फेमिनिन जेंडर कहेंगे, और अगर दोनों में से कोई नहीं होगी तो क्या कहेंगे, न्यूट्रल जेंडर। ओके, दोनों में से कोई नहीं होगा तो न्यूट्रल जेंडर। तो हम लोग क्या समझे, जेंडर के कितने टाइप होते हैं? थ्री टाइप। जेंडर के कितने टाइप हैं? थ्री टाइप। कौन कौन सा? मस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। ओके, चलिए देखते हैं मस्कुलिन जेंडर किसको कहते हैं। नाउन्स यूज्ड फॉर बॉयज, मेन और मेल एनिमल्स आर सेड टू बी नाउन्स ऑफ द मस्कुलिन जेंडर। क्या मतलब हुआ? कोई भी नाउन अगर मेल है, बॉय है, लड़का है, या मेल कोई पुरुष है मेल, या कोई मेल एनिमल है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मस्कुलिन जेंडर कहेंगे। जैसे फादर, अंकल, बॉय, बुल, टाइगर, ब्रदर एटसेट्रा, ये सब क्या है, ये सब मस्कुलिन जेंडर है। ओके, फेमिनिन जेंडर क्या होता है? ठीक इसका उल्टा। क्या नाउन्स यूज्ड फॉर गर्ल्स, यहाँ बॉयज था यहाँ गर्ल्स हो गया, वुमेन यहाँ मेल था यहाँ वुमेन हो गया, मेल एनिमल्स यहाँ पे क्या हो गया, फीमेल एनिमल्स आर सेड टू बी नाउन्स ऑफ द फेमिनिन जेंडर। क्या मतलब हुआ? कोई भी नाउन जो गर्ल्स के लिए यूज हो, या वुमेन के लिए, या फीमेल एनिमल्स होते हैं उनके लिए, ठीक है, उस सभी के लिए हम लोग उस नाम को क्या कहेंगे, फेमिनिन जेंडर कहेंगे। ओके, जैसे मदर, आंट, गर्ल, काउ, टाइग्रेस एटसेट्रा। ओके, देखिए यहाँ पे फादर क्या है, मेल है, मदर फीमेल है, अंकल मेल, आंट फीमेल, बॉय मेल, गर्ल फीमेल, बुल मेल, काउ फीमेल, टाइगर मेल होता है, टाइग्रेस फीमेल होती है, ठीक है। तो हम लोग क्या समझे, मेल कैटेगरी का होगा तो हम लोग उसको मस्कुलिन जेंडर कहेंगे, फीमेल कैटेगरी का होगा तो फेमिनिन जेंडर कहेंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं है, ना वो मेल है ना ही फीमेल है, तो हम लोग क्या कहेंगे, तो हम लोग उसको कहेंगे न्यूट्रल जेंडर। कौन सा जेंडर? न्यूट्रल जेंडर। क्या होता है, नाउन्स दैट आर नीदर मेल नॉर फीमेल। क्या होता है, नीदर मेल नॉर फीमेल, ना ही वो मेल होता है ना ही फीमेल होता है। ओके, उन सबको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रल जेंडर, ठीक है। जैसे बुक मेल है या फीमेल है, कोई भी नहीं है, न्यूट्रल जेंडर हो गया। पेन, चेयर, टेबल, कार, स्कूल, रिवर, ये सब क्या है, न मेल है न फीमेल है, क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, तो क्या हो गया, ये न्यूट्रल जेंडर हो गया। एक नोट है, न्यूट्रल जेंडर क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जो भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, निर्जीव चीजें होती हैं, दो जो ऑल आर कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर। ओके, चलिए तो हम लोग क्या समझे, नाउन को तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक मस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। ओके, चलिए देखते हैं मस्कुलिन से फेमिनिन में चेंज करने के लिए हम लोग देखते हैं किसका, कौन से मस्कुलिन का क्या फेमिनिन होता है। जैसे मैन का क्या होता है फेमिनिन, वुमेन, फादर का मदर, सन डॉटर, बॉय गर्ल, फॉक्स, फॉक्स का क्या होता है विक्सन, बुल काउ, एस्टेलियन मेयर, एस्टेलियन मीन्स घोड़ा होता है, लायन लायनेस,
टाइगर टाइग्रेस, एयर एयरेस, मॉन्क साधु को कहते हैं, नन ड्यूक डचेस, इंपेरर इंप्रेस, हीरो हीरोइन। ओके ब्रदर का सिस्टर, सर मैडम, किंग क्वीन, गॉड गॉडेस, नेफ्यू मिस, होस्ट होस्टेस, जेंटलमैन का क्या होगा, जेंटल वुमेन, ब्राइड ग्रूम ब्राइड, हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेस, शेफर्ड शेफर्डेस। ओके तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट मस्कुलिन और कॉरेस्पॉन्डिंग फेमिनिन जेंडर्स। आपको ये जितने भी यहाँ पे लिखे हुए हैं ये सभी आपको रिमेम्बर कर लेना है। फाइन तो ये था हम लोगों का जेंडर के बारे में। थ्री टाइप का जेंडर है, मस्कुलिन जो मेल होता है, फेमिनिन जो फीमेल कैटेगरी का होता है, और न्यूट्रल जो मेल और फीमेल दोनों ही नहीं होता है उसको न्यूट्रल कहते हैं। ठीक है और मस्कुलिन से फेमिनिन क्या होता है ये हम लोग देखें, इसको रिमेम्बर कर दीजिएगा। ओके थैंक यू।